Dear students, our next lecture is about senses of alcohol. In this lecture, we will discuss about the following general methods of senses of alcohol: by hydration of alkenes, by hydrolysis of alkylates from Grignard reagent, and by reduction of carbonyl compounds. The first general method for senses of alcohol is hydration of alkenes. The reaction which involves addition of water is called hydration. When we add water to alkene, we will get the respective alcohol. हाइड्रेशन क्या होता है? जब किसी भी सब्सट्रेट में हम वाटर का एडिशन करते हैं, यानी वाटर ऐड करते हैं, तो ओवरऑल ये हाइड्रेशन कहलाता है. अगर हम वाटर अल्कीन में ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल बनता है. हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कैन बी कैरीड आउट इन नंबर ऑफ वेज, यानी हाइड्रेशन के बहुत से मेथड होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप हाइड्रेशन कर सकते हैं. और ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 13 में हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन को डिटेल से डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन डिस्कस किए हैं. तो उनमें एक रिएक्शन हमारे पास था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यानी एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन. तो इसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्कीन सेलेक्ट कर रहे हैं. लेट्स से अगर आपके पास इथीन है तो आपको इथेनॉल मिलेगा. सेकेंड मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसके नतीजे में हमें अल्कोहल मिलता है. अब यूजुअली हाइड्रोलिसिस दो तरीकों से हम करते हैं. या तो हम अल्काइल हैलाइड को जो है वो जस्ट एक्वस अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, या हम उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं. तो हमारे पास ओवरऑल दो मेथड हैं हाइड्रोलिसिस के. दो तरीकों से हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, बाय यूजिंग वाटर और बाय यूजिंग एक्वस अल्कली. तो सबसे पहले बाय यूजिंग एक्वस अल्कली हम देखते हैं. दिस इज अल्काइल हैलाइड. इसमें एक्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई हेलोजन है. तो जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस फॉर्म में लेंगे तो ओवरऑल जो OH होता है ये गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, ये X को रिप्लेस कर देता है. तो OH इज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, X इज आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल. X रिप्लेस हो जाएगा तो X सोडियम के साथ चला जाएगा, यानी X बन जाएगा. OH यहाँ पे आ जाएगा तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा. इसी तरह आप वाटर को भी एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं. मोस्टली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर आप यूज करते हैं तो उनका चूंकि कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है तो उनमें SN1 रिएक्शन होता है. और SN1 रिएक्शन जो होता है उनमें फर्स्ट स्टेप रेड डिटरमिनिंग स्टेप होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन. तो इसलिए वहाँ पे फिर न्यूक्लियोफाइल रेड डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता. इस वजह से अगर आप पुअर न्यूक्लियोफाइल भी यूज करेंगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा. आप देखें वाटर पुअर न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे. तो ओवरऑल ये भी क्या कर रहा है कि ये एक्स को रिप्लेस कर रहा है और उसको OH दे रहा है. तो नेट रिएक्शन में जब इसको OH देगा तो इसके पास एक एक्स्ट्रा है प्रोटॉन की फॉर्म में, वो एक्स के साथ चला जाएगा. तो उसको हम HX की फॉर्म में ले सकते हैं. ओवरऑल आपके पास कोई भी आप अल्कोहल बना सकते हैं. वो डिपेंड करता है कौन सा आप R ग्रुप ले रहे हैं. लेट्स से अगर आपने यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड लिया है तो आपके पास इथेनॉल बनेगा. इसी तरह यहाँ पे अगर आप टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं तो आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा. अब ये जो मेथड है ये लेबॉरेटरी के लिहाज से इतना सूटेबल नहीं है. उसकी वजह क्या है कि लेबॉरेटरी में अल्कोहल ऑलरेडी अबंडेंटली अवेलेबल होते हैं. अल्कोहल लेबॉरेटरी में ज़्यादा कॉमन रिएजेंट के तौर पर यूज होते हैं, यानी अल्कोहल लेबॉरेटरी में अबंडेंटली मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं. तो इसलिए इनको आमतौर पर बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती. लेबॉरेटरी में आमतौर पर अल्काइल हैलाइड कम होते हैं और अल्कोहल ज़्यादा होते हैं. तो इस वजह से हमें ज़्यादा जो प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस अगर देखी जाए तो अगर आप अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा. क्योंकि जो चीज़ आप बना रहे हैं, लेट्स से आप इथेनॉल बना रहे हैं, तो अब इथेनॉल ऑलरेडी आपके पास लेबॉरेटरी में पड़ा हुआ है. अब इथाइल ब्रोमाइड से आप बनाएंगे तो आपको इथाइल ब्रोमाइड बहुत कम होता है, यानी लैब्स में अल्काइल हैलाइड जो होते हैं क्योंकि वो इतने स्टेबल नहीं होते तो वो कम होते हैं. तो अल्कोहल लैब में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये वाला मेथड जो है इतना फेवरेबल नहीं है. इसके बाद जो है वो यूजली अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स. आमतौर पर क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनको हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं. तो लैब में ये रिएक्शन बहुत कॉमन होते हैं कि आप अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल से डिफरेंट अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है. तो वो फिर आप अल्कोहल को यूज करके उनको प्रिपेयर कर सकते हैं.
अब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस मेथड को देखा जाए तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ दोज अल्काइलाइड्स विच आर ऑब्टेंड बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन जो हैं उनकी डायरेक्ट हैलोजिनेशन के लिए आमतौर पर यह मेथड यूज होता है, यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ दोज अल्काइलाइड्स विच आर ऑब्टेंड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आमतौर पर जो है वो इस लिहाज से ये मेथड इम्पॉर्टेंट है कि चूंकि जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो कुछ अल्काइलाइड जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन की डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन से हमें हासिल हो जाते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास जो है वो एक अल्केन है तो उसमें स्पेशली अगर टर्शियरी पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन मौजूद है तो वहाँ पे आसानी से ब्रोमीन जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में अटैक कर सकता है और वो अल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। इस तरह आप हैलोजन में क्लोरीन को ले आ सकते हैं, ब्रोमीन को, वैरायटी ऑफ अल्काइलाइड आप बना सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इनमें, जब आप किसी हाइड्रोकार्बन को स्पेशली अल्केन को हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो मोस्टली ये रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में होता है। तो अगर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन जो है उससे आप डायरेक्ट कोई अल्काइलाइड बना सकते हैं तो उस फिर अल्काइलाइड को आप यूज करके आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें होता क्या है कि इसमें आपने जो है वो जनरली अल्काइलाइड से रिएक्शन स्टार्ट नहीं करना होता, बल्कि आपने रिएक्शन स्टार्ट करना होता है हाइड्रोकार्बन से। आप हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उसकी हैलोजिनेशन करते हैं तो आपको अल्काइलाइड मिलेगा, तो उस अल्काइलाइड को फिर आप फौरन यूज कर लेते हैं, यानी उस अल्काइलाइड को आप फिर वही हाइड्रोलिसिस वाला मीडियम देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे या वाटर के साथ, तो आपको रिस्पेक्टिव अल्कोहल देगा। अब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस मेथड की सबसे अहम जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपके सामने है, जिसमें हमारे पास जो है वो टॉल्वीन है, तो टॉल्वीन की जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है बेंजाइल क्लोराइड में, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड जिसको हम 1-chloromethyl बेंजीन भी कहते हैं, और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है सनलाइट की मौजूदगी में करेंगे क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा यहाँ पे भी। उसके बाद जब बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है, ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हुआ है क्लोरीन से, तो यहाँ से HCl भी निकलेगा। तो उसके बाद जो आपके पास बेंजाइल क्लोराइड है इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें, एक्वस फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले लें तो आपके पास जो है वो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। ओवरऑल क्या होगा, Cl जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है, ये रिप्लेस होगा OH से जो कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा जिसको फिनाइल मिथेनॉल भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका बेंजाइल अल्कोहल है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। तो ये इस मेथड की एक एप्लीकेशन है। इस तरह की और भी बहुत सी एप्लीकेशन हो सकती हैं, लेकिन ये आपने याद रखना है कि मोस्टली एप्लीकेशन किस तरह की होंगी कि आप हाइड्रोकार्बन लेंगे, उसकी हैलोजिनेशन करेंगे, आप अल्काइलाइड बनाएंगे, फिर उसके बाद आप उससे अल्कोहल बना सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके पास वो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए और फिर उसकी डायरेक्ट हैलोजिनेशन भी पॉसिबल होनी चाहिए ताकि अल्काइलाइड आप आसानी से हासिल करें। अगर अल्काइलाइड आपको मुश्किल से मिल रहा है तो फिर ये रिएक्शन आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। ओके, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइलाइड के हाइड्रोलिसिस में मोस्टली दो तरह के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें जो है वो दिस इज टू स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास अल्काइलाइड होता है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं आमतौर पर, तो अल्काइलाइड जो है उससे हैलोजन रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ एलाइड, यानी नेगेटिव फॉर्म में रिमूव हो जाता है, तो आपका जो अल्काइल वाला पार्ट है वो कार्बोनियमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ओवरऑल आपको कार्बोनियमाइन मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है SN1 के, ओवरऑल टू स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियमाइन, दैट इज स्लो स्टेप, इसलिए ये रिवर्सिबल भी होता है, यानी रिवर्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल ये रिएक्शन, ये स्टेप जो होता है ये स्लो होता है, इसको हम RDS भी कहते हैं। RDS मींस रेट डिटरमिनेट स्टेप, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है, वो इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन।
तो उसके बाद जब कार्बोनियम बन जाता है तो वो फौरन से न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके फर्दर जो है वो अपना प्रोडक्ट बना देता है। अगर न्यूक्लियोफाइल आपके पास अल्कोहल होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल अगर आपके पास वाटर होगा तो आपका प्रोडक्ट अल्कोहल होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल आपके पास अल्कोहल है तो आपका प्रोडक्ट ईथर होगा। तो यहाँ पे चूंकि आप वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्शन होगा। उसके बाद ये ओवरऑल ये दोनों स्टेप फास्ट होते हैं, दिस स्टेप इज जस्ट रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो आपका रिएक्शन सिर्फ इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो इस पर डिपेंड करेगी। तो जब वाटर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है उसकी मदद से अटैक करता है तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा। यानी यहाँ से ये वाटर नहीं रिमूव हो रहा बल्कि ये एरो थोड़ा सा आपने इस तरफ लगाना है, सिर्फ प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से। ये एरो यहाँ पे इनकोरेक्ट है, उसको आप कंसिडर ना करें, यहाँ से जस्ट आप एक प्रोटॉन आप निकालें तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद एग्जांपल आप एस एन टू मैकेनिज्म देखते हैं। ये एस एन वन मोस्टली टर्शरी अल्काइललाइड में होता है, सेकेंडरी में भी हो सकते हैं, सेकेंडरी में दोनों होते हैं, इसमें एस एन वन भी हो सकता है और एस एन टू भी सेकेंडरी में। ये टर्शरी अल्काइललाइड है तो टर्शरी में मोस्ट फेवरेबल कौन सा होता है, एस एन वन मैकेनिज्म, क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन आप जानते हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद एस एन टू मैकेनिज्म देखते हैं, इसमें क्या होता है कि अल्काइललाइड के ऊपर जो है वो जो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, वो आमतौर पर डायरेक्ट अटैक करता है। तो आप चूंकि आप अल्कोहल बना रहे हैं तो अल्कोहल अगर आप प्राइमरी अल्काइललाइड से बनाएंगे तो आपने याद रखना है कि आप हाइड्रोक्साइड अगर यूज करेंगे तो वो ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ओवरऑल एसएन टू मैकेनिज्म जो होता है ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग सेम टाइम पे होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग में यानी हम कोई इंटरवल नहीं होता है इसमें, इस वजह से हम कहते हैं कि एक ही स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। और हम यहाँ पे इसको ट्रांजिशन स्टेट से शो करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इमेजिनरी इंटरमीडिएट है, ये रियल नहीं है, नहीं होता। अगर रियल होगा तो जाहिर है ये टू स्टेप हो जाएगा, तो ये रियल नहीं होता, इट इज जस्ट इमेजिनरी। तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन को आप डार्ट लाइन से शो करते हैं और बॉन्ड ब्रेकिंग को भी डार्ट लाइन से, यानी जो बॉन्ड बन रहा है उसको डार्ट से और जो ब्रेक हो रहा है उसको भी डार्ट से। तो चूंकि जब आप OH को इधर अटैक करवाएंगे तो BR इज लिविंग ग्रुप हेयर, तो BR निकलेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला और ये इधर से बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे आपने कंसिडर करना है दिस इज पार्शियल नेगेटिव, ये कम्प्लीट चार्ज नहीं है। यहाँ पे आप पार्शियल का साइन भी लगा लें, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो पार्शियल नेगेटिव। तो ओवरऑल ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है कि जो ग्रुप आ रहा है उसका परमानेंट बॉन्ड बना लें और जो जा रहा है उसका बॉन्ड ब्रेक कर लें, तो आपके पास ओवरऑल ब्रोमाइड निकल जाएगा। इसमें प्राइमरी अल्काइललाइड में ये इसलिए फेवरेबल होता है कि उनमें स्टेरिक इफेक्ट जो है वो प्राइमरी अल्काइललाइड में आमतौर पर कम होता है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइमरी अल्काइललाइड है उनका कार्बोनियम आयन अनस्टेबल होता है। तो अब टर्शियरी में अगर आप देखें, एक तो उनको फायदा ये है कि उनका कार्बोनियम अनस्टेबल होता है, दूसरा उनका स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि फिर जाहिर है जब वो आके अटैक करेगा तो ये ग्रुप उसे इंटरफेयर करेंगे, उसके साथ इंटरफेरेंस करेंगे, वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता। ओके, थर्ड मेथड इज फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सेंसेस। एक्चुअली ग्रिगनार्ड रिएजेंट कोई एक कंपाउंड नहीं होता, इट इज एक्चुअली क्लास ऑफ कंपाउंड। इसको जनरली हम शो करते हैं RMGX से, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सेंसेस, इट कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है जिसे हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि वेक्टर ग्रिगनार्ड ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 1912 में, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था इस कंपाउंड की डिस्कवरी की वजह से, इस कंपाउंड को उसने बनाया फर्स्ट टाइम। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड मेनली एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स टू फॉर्म वेराइटी ऑफ अल्कोहल। यानी ग्रिगनार्ड का एडवांटेज क्या है कि ये मुख्तलिफ सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके आपको अल्कोहल देता है, एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ भी, एस्टर के साथ भी। तो फिर जिस तरह का आपका एल्डिहाइड होगा उसी तरह का आपको कीटोन मिलेगा, सॉरी अल्कोहल मिलेगा, जिस तरह कीटोन होगा उस तरह का अल्कोहल, फिर एस्टर से वैरायटी ऑफ अल्कोहल आप बना सकते हैं। अब जब आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करना है तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट को डीरंग द रिएक्शन ही बनाना होता है।
यानी आप पहले से बना हुआ आमतौर पर यूज नहीं करते, आप उसको बनाते हैं। तो इसलिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किससे बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम मेटल से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। ईथर की मौजूदगी में वाटर फ्री होना चाहिए, यानी आपका जो रिएक्शन है, चूंकि वाटर जो होता है वो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये आर अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। उसके बाद जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, चूंकि इसका जो आर होता है ये नेगेटिव होता है, तो यानी आप ये कह सकते हैं ये आर कार्बेनायन की फॉर्म में होता है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज ए बेस भी। यहाँ पे इस रिएक्शन में ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। जब ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, तो ये एक जनरल कार्बोनिल पहले हम ले रहे हैं, यानी बाद में हम टिपिकल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि कार्बोनिल में रिएक्शन कैसे होता है। जब इसके ऊपर आप अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड आपका इस तरफ ब्रेक होगा ऑक्सीजन वाली साइड पे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर जाहिर है आर पर इधर आ जाएगा, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ मिलके OMGX बना देगा। आप यहाँ चार्ज भी शो कर सकते हैं इस पे प्लस और इस पे माइनस। उसके बाद ये जो साल्ट है आपके पास, एक्चुअली ये एक अल्कोक्साइड है, तो अल्कोक्साइड की फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस में ओवरऑल क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। एसिड की मौजूदगी में आमतौर पर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो वाटर का जब ब्रेकडाउन होगा तो वाटर में दो चीज़ें होती हैं, एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव। तो जो वाटर के अंदर एच पॉजिटिव होगा वो इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो ये ओएच में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओएच नेगेटिव है वो एमजी को मिल जाएगा, तो आपके पास बाई प्रोडक्ट बनेगा HOMgX, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड भी कहते हैं, जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। द टाइप ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम RMGX डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यूज्ड। अब आपके पास वेराइटी ऑफ अल्कोहल, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप वेराइटी ऑफ अल्कोहल बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड यूज कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है एक और तरीका भी है कि आप इसकी अगर वेरिएशन लाना चाहते हैं इसके अंदर, यानी डिफरेंट किस्म का अल्कोहल बनाना चाहते हैं आप, तो आप सेम कार्बोनिल कंपाउंड से भी डिफरेंट किस्म का अल्कोहल बना सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर ग्रुप चेंज करेंगे, क्योंकि वो आर जो होता है वो भी वेरिएबल होता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ठीक है, आपके पास जो है वो बेंजाइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, तो वेराइटी ऑफ ग्रुप पॉसिबल है। सेंसेज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल को हम किस तरह सिंथेसाइज करेंगे। इसके लिए हम RMGX को जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल आपने याद रखना है, सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करें, आर नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन MgX को ले लेगा, तो ओवरऑल आपके पास ये अल्कोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब वाटर के अंदर आपके पास जो है वो वाटर का यहाँ पे रिएक्शन होता है, तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखें, यानी अगर आप नेट रिएक्शन इसका देखें मैकेनिज्म के लिहाज से, तो OH नेगेटिव जो है, जो आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, तो आप जो प्रोटॉन यूज करेंगे एसिड वाला, तो वो OH नेगेटिव उस प्रोटॉन पे अटैक कर लेता है। ये वाटर पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन क्योंकि मैकेनिज्म में आप इस तरह भी इसे शो कर सकते हैं, ये प्रोटॉन पे अटैक कर रहा है, अब ये प्रोटॉन इसने ले लिया, तो जाहिर है जब प्रोटॉन लेगा ये MgX यहाँ से निकल जाएगा, MgX पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर से वो क्या ले लेगा OH, तो इस तरह यहाँ से क्या रिमूव होगा H पॉजिटिव, तो इससे ये प्रूव होता है कि H पॉजिटिव यानी एसिड एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है इस रिएक्शन में, तो आपको रिस्पेक्टिव अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे जब आप फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है जिसमें OH प्राइमरी कार्बन के ऊपर होता है, प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है जिसके साथ मैक्सिमम एक कार्बन डायरेक्टली अटैच हो। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कोक्साइड में भी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, यानी इसके दूसरे कोर में ये हाइड्रोलिसिस आपने इस तरह यहाँ पे प्रोटॉन को आपने शो किया है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप, चूंकि जाहिर है वाटर और प्रोटॉन जब एक जगह पे मौजूद होते हैं तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होते हैं आमतौर पर, तो आप हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव भी अक्सर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो आप इस तरह भी ये मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन पे जाहिर है एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, तो आप ओ नेगेटिव उसके ऊपर अटैक करवाएं तो वो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा और आप यहाँ से ओवरऑल क्या निकलेगा, यानी ओवरऑल यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, तो वाटर जब निकलेगा यहाँ से प्रोटॉन इसके ऊपर आ जाएगा। अब जो वाटर है वो MgX जो यहाँ से निकल रहा है MgX के साथ रिएक्ट करेगा, जिस तरह यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था इसका रिएक्शन होगा इसके साथ, तो आपके पास बनेगा
एच पॉजिटिव और एच ओ एम जी एच ओवरऑल यानी नेट चेंज वही आ रही है, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, ये दोनों तरीके करेक्ट हैं। सेंसेस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद टू कार्बन एटम्स मोर देन द अल्काइल ग्रुप्स ऑफ आर एम जी एच। तो यहाँ पे तो आपके पास जो है वो जो अल्कोहल बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें तो चूंकि फॉर्मल्डिहाइड में जस्ट वन कार्बन होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका जो आर ग्रुप है उसमें जो है वो वन भी हो सकता है, टू भी, वो डिपेंड करता है आप कौन सा आर ले रहे हैं। अब आप कोई ऐसा सब्सट्रेट भी यूज कर सकते हैं जो आपको एक से ज्यादा कार्बन देगा। यहाँ पे आप देखें आप एक कार्बन वाला यूज कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा कार्बन वाला सब्सट्रेट भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन प्राइमरी अल्कोहल हम बना रहे हैं, कौन सी सिंथेसिस कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल की। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है एपॉक्साइड। एपॉक्साइड में जो है वो टू कार्बन मौजूद है, देखें आप वन टू, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन था, तो इसीलिए आप टू कार्बन वाला सब्सट्रेट भी यूज कर सकते हैं। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल का दूसरा सब्सट्रेट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड सब्सट्रेट हमारे पास होता है एपॉक्साइड, जिसे इथाइलीन ऑक्साइड इस बी से कहते हैं, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आर एम जी एक्स है, आर यहाँ पे भी नेगेटिव है, वो नेगेटिव फॉर्म में अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, तो इधर ऑक्सीजन का विड्राइंग इफेक्ट है, तो ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इनके ऊपर आर नेगेटिव यहाँ पे आसानी से अटैक कर लेता है, तो ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा फिर, ठीक है, अगर आप इधर अटैक करवा रहे हैं तो ये इधर ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड जब इस तरफ ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आएगा, वो इधर आ जाएगा, फिर ये अल्कोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लें उसी तरह जिस तरह यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस आप सबकी इसी तरह होगी, तो आपके पास एच ओ एम जी एक्स निकल जाएगा और प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे आप प्राइमरी अल्कोहल दो तरीकों से बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से और एपॉक्साइड से। सेकंड सेंसेस है, दिस इज द सेंसेस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, यानी हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से ही देख रहे हैं अल्कोहल की सेंसेस। तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से हम सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे सेंसाइज करेंगे, इसके लिए हम आमतौर पर जो है वो एल्डिहाइड लेते हैं, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उससे आपको जो है वो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लेंगे तो डेफिनेटली उसमें दोनों जो ग्रुप होते हैं वो एच नहीं होते हैं, उसमें एक आर ग्रुप होता है, एल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, दिस इज नाउ अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। इसको जब आप ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो अब यहाँ भी चूंकि आपका आर ग्रुप इधर भी मौजूद है तो इसको फिर हम आर प्राइम से शो कर देते हैं, यानी ये आर ग्रिग्नार्ड का है और ये आर आपके कार्बोनिल का है, ताकि आपको पता चले कि आपके प्रोडक्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन सा आर ग्रुप आता है। जब हम इसका अटैक करवाते हैं उसी तरह एज यूजुअल अल्कोक्साइड बनेगा, उसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर ओएच आ रहा है। आप देख सकते हैं टू, जब कोई भी ऐसा कार्बन जिसके साथ दो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, तो उसके ऊपर अगर ओएच ग्रुप आ जाए तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। तो बाई प्रोडक्ट इसका भी एच ओ एम जी एक्स बनेगा साथ। तो इसके बाद जो है वो इसकी टिपिकल एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आप देखें तो हम एसिटल्डिहाइड को ले रहे हैं, यानी आर की जगह हम सी एच थ्री लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का जो हमारे पास आर ग्रुप है उसको हम उसकी जगह इथाइल लगा रहे हैं, यहाँ पे इथाइल। तो यहाँ पे आप इथाइल भी लगा सकते हैं, मिथाइल भी, प्रोपाइल भी, लेकिन चूंकि हम एक ऐसी एग्जाम्पल को शो करना चाह रहे हैं जिसमें आर ग्रुप जो है इन दोनों के डिफरेंट हो, तो ये हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसको जब आप ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले ये भी नेगेटिव फॉर्म में इधर अटैक करेगा, अल्कोक्साइड बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास जो है वो ब्यूटेन टू ऑल बनेगा, जो कि ओवरऑल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का एक और मेथड भी हमारे पास कि अगर हमारे पास वो इथाइल फॉर्मेट, अब इथाइल फॉर्मेट क्या होता है, ये एस्टर होता है, तो इसमें अगर आप देखें ये एस्टर ग्रुप है आपके पास, तो जब इसको आप इसी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उसी तरह ये अटैक करेगा एज यूजुअल, यानी नेगेटिव फॉर्म में ये जो इथाइल ग्रुप है ये अटैक करेगा इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास, उसके बाद जो है वो यानी ये अल्कोक्साइड बन जाएगा। तो चूंकि ये जो ओ आर ग्रुप होता है, यानी यहाँ पे ये ओ सी टू एच फाइव बन रहा है, तो ओवरऑल हम इसे ओ आर कहते हैं,
तो ये जो OR ग्रुप होता है ये गुड लीविंग ग्रुप होता है, ये आसानी से निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ओवरऑल यानी यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, जब ये यहाँ से निकलेगा ये नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो अब ये भी तो निकलेगा यहाँ से, ये पॉजिटिव होगा, तो ये इसके साथ मिलकर बनाएगा C2H5ONDBr। जिस तरह यहाँ HO रिप्लेस कर रहा है R ग्रुप को, यानी ग्रिगनार्ड में होता क्या है तो उसका जो R ग्रुप होता है वो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाता है। तो जिस तरह यहाँ पे वो OH से रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे वो इथोक्साइड से रिप्लेस हो रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज एन एल्डिहाइड। उसके बाद आप क्या करेंगे, चूंकि ये जो एल्डिहाइड होता है याद रखना है कि ये फर्दर रिएक्शन करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एल्डिहाइड का ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्टिविटी ग्रिगनार्ड की तरफ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा आपका। तो आप जो है वो जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड जो है वो आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट फिर फर्दर इसका रिएक्शन हो जाता है ग्रिगनार्ड के साथ। तो फर्दर जब ग्रिगनार्ड का दूसरा मॉलिक्यूल आके इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो है वो क्या बनेगा, एज यूजुअल जो है इससे अल्कोक्साइड बनेगा, ये इसका नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, ये अल्कोक्साइड है। उसके बाद आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा जो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, पेंटेन थ्री और, ठीक है, यहाँ से ये चैन बनेगी इसकी, इस चैन की आप नंबरिंग कर लें, थ्री पोजीशन पे और जा रहा है, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, डायरेक्ट इस कार्बन के साथ डायरेक्ट टू कार्बन है, एक ये और एक ये, तो देयरफॉर इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, सेंसेस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। टर्शियरी अल्कोहल को कैसे सेंसाइज करते हैं, इसमें सबसे पहले आप कीटोन लेंगे, याद रखना है कि आप सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड से आमतौर पर बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो आमतौर पर आप एल्डिहाइड से बनाते हैं अदर देन फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेट एस्टर से बना सकते हैं। तो उसके बाद जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो आमतौर पर हम किससे बनाते हैं, कीटोन से। तो कीटोन में दोनों आपके पास एराइल या अल्काइल ग्रुप होते हैं यहाँ पे, यानी कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता इसमें। तो जब आप इसको ग्रिगनार्ड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये आर प्राइम कौन सा आर ग्रुप है, ये ग्रिगनार्ड का है, एज यूजुअल अल्कोक्साइड बनेगा। उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास एक टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। तो टर्शियरी अल्कोहल कौन सा होता है, जिसमें OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन पे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यानी इस कार्बन के साथ डायरेक्टली तीन कार्बन है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या होगा, टिपिकल एग्जांपल इसकी हम ले रहे हैं, ये जनरल एग्जांपल थी। तो ये एसीटोन है हमारे पास, इसको जब हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे, इसका अल्कोक्साइड बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो इथाइल एसीटेट है, टर्शियरी अल्कोहल बनाने का एक और मेथड भी हमारे पास कि अगर इथाइल एसीटेट है आपके पास, इथाइल एसीटेट एस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एस्टर ग्रुप है, तो इसको जब आप ट्रीट करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले अल्कोक्साइड बनेगा, उसकी आप अल्कोक्साइड एज यूजुअल आप चूंकि एस्टर है तो इसमें OR गुड लिविंग ग्रुप है, ये इथोक्साइड निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कीटोन है। अब कीटोन जो होता है, जिस तरह हमने एल्डिहाइड की बात की कि वो फर्दर ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्ट करता है, तो इस तरह कीटोन भी जो है उस स्टेज के ऊपर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, तो कीटोन फर्दर रिएक्शन करता है और उसमें आपको यहाँ पे इस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट के तौर पर अल्कोहल मिलेगा, कीटोन नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपने कोई रिएक्शन जो है, लेट से आप एस्टर से स्टार्ट कर रहे हैं या एसिडिलाइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने अगर कीटोन वाले स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप करना है तो आप कभी भी आर्गेनो मैग्नीशियम या आर्गेनो सोडियम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों रिएजेंट जो होते हैं ये कीटोन वाले स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप नहीं करते, ये उसके साथ फर्दर रिएक्ट करते हैं और ये इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आमतौर पर अल्कोहल होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम आर्गेनो मैग्नीशियम और आर्गेनो लिथियम की जगह कोई और रिएजेंट यूज करेंगे, आर्गेनो कॉपर वगैरह यूज करेंगे, कोई दूसरा रिएजेंट यूज करेंगे जो कीटोन वाले स्टेज के ऊपर रिएक्शन, आर्गेनो कैडमियम आमतौर पर हम यूज करते हैं जो इसके मुकाबले में लेस रिएक्टिव होता है, तो वो कीटोन वाले स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप होता है। तो आप आर्गेनो लिथियम या आर्गेनो मैग्नीशियम आमतौर पर यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चूंकि ये कीटोन है तो इसका ये एल्कोक्साइड बनेगा और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पे इस केस में ये थोड़ी सी इसकी आप करेक्शन कर लें, यहाँ पे दिस इज एक्चुअली ओ एम जी, यहाँ पे ये इसे आप बना रहे हैं तो ये आपके पास ओ एम जी एक्स, ओ एम जी बी आर, सॉरी दिस शुड बी ओ एम जी बी आर, इसको आपने करेक्ट कर लेना है, दिस इज ओ एम जी बी आर। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास ये अल्कोहल बन जाएगा और साथ एच ओ एम जी बी आर बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय मोर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स। Secondary and tertiary alcohol can be synthesized by more than one combination of reagent. यानी आपके पास जो है वो secondary और tertiary alcohol जो होता है वो एक से ज्यादा तरीके से भी आप बना सकते हैं, यानी more than one combination का यहाँ पे क्या मतलब है, this more than one combination. More than one का मतलब ये है कि आप एक ही alcohol बनाएंगे, आपका alcohol एक ही होगा लेकिन आप उसको दो तरीके से बना सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड को चेंज करेंगे। लेट्स से आप यहाँ पे देखें आप क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ब्यूटेन टू ओल सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल आप बना रहे हैं, ये टू ब्यूटानोल आप बना रहे हैं, तो ये टू ब्यूटानोल आप दो तरीकों से बना सकते हैं। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करें और ये आपके पास क्या है, दिस इज प्रोपेनल, प्रोपेनल आप यूज करें, तो प्रोपेनल और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है उनको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं आपस में तो डेफिनेटली पहले एल्कोक्साइड बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये ब्यूटेन टू ऑल आएगा। ये वाला जो आपका अभी मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ से आता है, ये ग्रिग्नार्ड से आता है, और ये वाला जो आपका प्रोपाइल ग्रुप है ये वाला एन प्रोपाइल ग्रुप ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये एल्डिहाइड से आ रहा है। इसी तरह इसी कंपाउंड को आप दूसरे कम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। अब आप कम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं यानी इसको आप छोटा कर रहे हैं, ये पहले तीन कार्बन वाला था, अब इसको दो कार्बन वाला आप ले रहे हैं तो इसको आप दो कार्बन कर रहे हैं, टोटल आपके पास यानी यहाँ पे कितने कार्बन बन रहे हैं इसमें, फोर, ठीक है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे थ्री इसमें थे वन इसमें था, इसमें जो है वो आपके पास टू है और इसमें टू है, तो ये एसिटाइल्डिहाइड आपके पास और ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे भी आपका प्रोडक्ट वही बनेगा। इसका मतलब है कि आपके पास ये भी एक ऑप्शन आ जाता है कि लेट्स से अगर आपके पास ये वाला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका सोर्स मौजूद नहीं है और इसका है, तो फिर आप इस एल्डिहाइड को यूज करके इस कंपाउंड को बना सकते हैं। इसी तरह लेट्स से अगर आपके पास ये वाला जो लेट्स से एल्डिहाइड मौजूद नहीं है तो ये एल्डिहाइड है, तो फिर इसके साथ ये वाला रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है, उसी तरह फिर आप रिएक्शन परफॉर्म करेंगे लैब में। The choice of a particular combination is usually made on the basis of cost of the reagent and their availability. Availability is one of the most important things. हमेशा याद रखना है, अगर कोई चीज़ अवेलेबल हो आसानी से तो तब ही हम उसे यूज कर सकते हैं और उसका मेथड फेवरेबल होता है। अगर एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो फिर वो इतनी फेवरेबल नहीं होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंसेस में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होती है कॉस्ट और एक होती है अवेलेबिलिटी। कि अगर आपका जो रिएजेंट है जो आप किसी सेंसेस के लिए यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम है, सस्ता है वो ज्यादा फेवरेबल है, और दूसरे नंबर पे वो अवेलेबल भी होना चाहिए आसानी से। अब ये नहीं है कि उसकी कीमत कम है लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, तो मोस्टली यही होता है कि जो चीज इसकी कॉस्ट कम है उसकी अवेलेबिलिटी भी होती है। तो यानी जो कम रिएजेंट है वो चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तो आपकी आइडियल सेंसेस हो सकती है, फिर वो सेंसेस ज्यादा फेवरेबल होती है। Since both alkyl halide and carbonyl compound required for synthesis of alcohol, जाहिर है आपको कौन सी चीजें यहाँ पे दरकार हैं, दो चीजें आपको दरकार हैं, आपको अल्कोहल भी चाहिए और आपको अल्काइल एलाइड भी चाहिए। इस केस में अल्काइल एलाइड आपको किस तरह चाहिए, क्योंकि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ से बनेगा, अल्काइल एलाइड से बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि यूर रिएक्शन विल बी स्टार्ट फ्रॉम यू विल स्टार्ट यूर रिएक्शन फ्रॉम अल्काइल एलाइड। As alcohols are, यहाँ पे R लगा दें, alcohols are more common and easily available. यानी अभी हमने previous slide में ये बात की है
कि अल्कोहल की अवेलेबल, अल्कोहल ज्यादा कॉमन है, लैब में आमतौर पर मौजूद होता है, फ्रीक्वेंटली मौजूद होता है, अबंडेंटली मौजूद होता है, लेकिन जो अल्काइल हैलाइड होता है उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है आमतौर पर। देयरफॉर बोथ अल्काइल हैलाइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। तो फिर आमतौर पर हम क्या करते हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि जो अल्काइल हैलाइड जो होता है उसको भी हम अल्कोहल से बनाते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड को भी हम अल्कोहल से बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्कोहल से आमतौर पर अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, उसी अल्काइल हैलाइड से आप फिर दोबारा अल्कोहल भी बना सकते हैं उसको कार्बोनिल के साथ ट्रीट करके। तो आपके पास दोनों चीज़ें जो हैं वो आमतौर पर अवेलेबल आमतौर पर नहीं होती और उनको आप अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। और कौन सी दो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती? अल्काइल हैलाइड और कार्बोनिल कंपाउंड। दिस मेथड सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम RNGX इज जनरली यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ लोअर अल्कोहल इनटू हायर वन। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? यहाँ पे आप ये समझ रहे होंगे कि अब हम क्योंकि अल्कोहल बना रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजन से, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए हमें अल्काइल हैलाइड होता है वो भी हम अल्कोहल से बना रहे हैं, तो फिर हम देखने में हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे लिए एक बड़ा अहम फायदा है इसमें, यानी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका। और कौन सा एडवांटेज है कि आपके पास जो छोटा अल्कोहल होता है, जो स्मॉलर अल्कोहल होता है, जो छोटे साइज में होता है, जिसका आर ग्रुप स्मॉल होता है, उसको आप लार्जर अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी इसमें होगा क्या, लेट्स से अगर आपके पास वन कार्बन वाला अल्कोहल है तो आप उसे वन कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस वन कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड को आप ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करेंगे और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे। तो जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड और वो ग्रिग्नार्ड आप उसमें रिएक्ट करेंगे, जो रिजल्टिंग अल्कोहल बनेगा डेफिनेटली उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, यानी वो उसका साइज बड़ा होगा, वो आपका हायर अल्कोहल होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है कि आप स्मॉलर अल्कोहल को इस मेथड के थ्रू हायर अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज लेट्स से अगर आपके पास जो है वो आपके पास इथेनॉल है, ठीक है, आप ग्रिग्नार्ड के थ्रू इथेनॉल बना रहे हैं। लेट्स से जिस तरह अभी हमने एक एसिटाल्डिहाइड को लिया, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ बल्कि आपके पास वो था फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप ट्रीट करें तो आपके पास इथेनॉल बनेगा। अब इथेनॉल ऑलरेडी अवेलेबल कंपाउंड है, इजीली अवेलेबल होता है, तो उसको बनाने का इतना हमें कोई एडवांटेज यहाँ पे नहीं है उस लिहाज से। तो यानी जो उससे हायर अल्कोहल होते हैं उनकी सेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मीथेनॉल इथेनॉल अगर आप इस मेथड में बना रहे हैं तो उनका कोई खास एडवांटेज यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मैं आपको चेंज बता रहा हूँ कि ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, और इस अल्कोहल को हम जब HX के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा, क्योंकि हमने ये बात की है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है वो अल्कोहल से बनाया जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है इसमें होता है कि एक्स ओ एच को रिप्लेस कर लेता है, इसके बाद हमारे पास जो है अगर जो अल्कोहल है तो उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड में भी चेंज कर सकते हैं, यानी जो अल्कोहल है उससे आप अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं, उससे आप कार्बोनिल कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल में अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, कंट्रोल ऑक्सीडेशन आपने करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड बना रहे हैं तो एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है, इसीलिए आमतौर पर जो है वो सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे आपने यूज करना है। तो चूंकि ये आपका जो है वो आर ग्रुप एच भी यहाँ पे हो सकता है, तो इस वजह से अगर ये एच होगा तो ये आपके पास यहाँ पे फिर एल्डिहाइड बनेगा, तो एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन के चांस होते हैं। तो अगर आपने इस टाइप पर रिएक्शन स्टॉप करना है तो फिर उस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। अदरवाइज आप कीटोन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसमें जनरली ये होता है कि कीटोन से आपके पास अगर आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो उस केस में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो आपके पास कीटोन बनेगा। ओके, नाउ मेथड नंबर 4 इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्कोहल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम, पलाडियम और निकल एट वेरिएबल टेम्परेचर फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनकी रिडक्शन के मुख्तलिफ तरीके हैं।
इसमें आमतौर पर एक रिएक्शन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि कार्बोनिल ग्रुप को आप CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिसमें क्लीमेंसन या वुल्फ किचनर रिडक्शन होती है। अब बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, यानी OH में कन्वर्ट करते हैं, तो उनके लिए फिर उस तरह के हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने होते हैं। आमतौर पर रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होता है, और इसके अलावा जो है वो आप कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। अल्कोहल की रिडक्शन जो है वो ये सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना, इसके लिए हमारे पास जनरली दो मेथड होता है। एक मेथड होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और दूसरा मेथड होता है बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैसे होती है, इसमें हम जो है वो जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो आमतौर पर ये रिएक्शन जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। तो समटाइम जो ये रिएक्शन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी होता है। कैटालिस्ट इसके लिए आप कौन से यूज करेंगे, प्लाटीनियम, प्लाडियम या निकल आप इसके लिए आमतौर पर यूज करते हैं इस रिएक्शन में। और ये रिएक्शन आमतौर पर मॉडरेट प्रेशर के ऊपर होता है, यानी 3 to 20 एटमॉस्फेयर, क्योंकि आप हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, इसलिए फिर प्रेशर को भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। प्रेशर इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस रिएक्शन में, और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी। तो ओवरऑल हम इसे क्या कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है कि हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो आमतौर पर दो रिड्यूसिंग एजेंट अल्कोहल की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी LiAlH4 और NaBH4। एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल व्हाइल कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल। जब आप रिडक्शन करते हैं, ठीक है, रिडक्शन के आप दो तरीके हैं आपके पास, एक कैटालिटिक रिडक्शन है, ये मैंने जो कॉम्बिनेशन दिया है आपको दिस इज फॉर कैटालिटिक रिडक्शन, दिस इज बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होगा, जो एल्डिहाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। अब रिडक्शन में होता क्या है, रिडक्शन में ओवरऑल जो है दो हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे, एक ऑक्सीजन पे ऐड होता है, एक इस कार्बन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन ये आपको नजर आ रहा है और एक ऑक्सीजन पे। ये कौन देता है इसको, ये हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हैं इससे आएगा, और अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें तो रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में मौजूद होता है और वही यूज होता है। उसके बाद अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन की अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट से कर रहे हैं तो यू आर रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे आपके पास क्योंकि यहाँ आर ग्रुप है, ठीक है, दोनों आर ग्रुप हैं, तो डेफिनेटली आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे बनेगा इस रिएक्शन में। ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज सिंपल टू अकम्प्लिश एंड गिव्स क्वांटिटेटिव यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो बहुत कॉमन है, उसमें आपको हाई यील्ड जो है प्रोडक्ट की मिल सकती है। तो इसलिए आमतौर पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए, यानी अल्कोहल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूज होती है आमतौर पर। ये याद रखना है कि इंडस्ट्री में मोस्टली जो अल्कोहल होते हैं वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये मेथड हमें इकोनॉमिकल होता है हमारे लिए, यानी अवेलेबिलिटी रिएक्टेंट की होती है, मतलब आसानी से अवेलेबल होते हैं। रिएक्शन के कंट्रोल के लिहाज से अगर देखा जाए तो रिएक्शन इंडस्ट्री के लिहाज से ज़्यादा फेवरेबल होता है, हर लिहाज से ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन फेवरेबल होता है। मेन ड्रॉबैक ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का ड्रॉबैक क्या होता है, यानी इसका डिसएडवांटेज क्या है, वो डिसएडवांटेज समटाइम इंडस्ट्री में भी हमें मिलता है। इट कैन रिड्यूसेस अदर फंक्शनल ग्रुप्स इन एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप सच एज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। यानी इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कुछ अनडिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, जिनको हमने रिड्यूस नहीं करना होता। तो चूंकि ये फिर ये नहीं देखता कि ये कौन सा ग्रुप है, ये अक्सर जो है सब ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो अगर हमने किसी एक ग्रुप को रिड्यूस करना है और दूसरे को नहीं करना तो फिर वहाँ पे ये यूज नहीं हो सकता। ये नहीं, फिर ओवरऑल अगर आप कह दें, अगर आप इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ब्यूट टू इनल हमने लिया हुआ है, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो एक
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी हम ऐसे कहते हैं, तो सॉरी एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी अगर हम हाइड्रोजनेशन करें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो हमारे पास दो जगहों पे रिडक्शन हो सकती है, रिडक्शन यानी हाइड्रोजनेशन को हम रिडक्शन भी कहते हैं, तो दो दो जगहों पे हाइड्रोजनेशन हो सकती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ये बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकते हैं और ये भी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमें दोनों फंक्शनों पे रिडक्शन हो रही है और आपके पास क्या बन रहा है, एक सिंपल अल्कोहल बन रहा है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला जो है रिड्यूस हो जाए और ये ना हो, ये रिड्यूस हो जाए और ये ना हो, तो फिर इस केस में ये वाला फेवरेबल नहीं है, उसके लिए फिर आप कोई केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। उसका एडवांटेज ये होता है कि आप फिर एक सिलेक्टिव रिएजेंट यूज करेंगे जो एक बॉन्ड पे रिएक्ट करता है, दूसरे पे आमतौर पर नहीं करता है। रिडक्शन बाय केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट आर जनरली कैरिड आउट इन लेबोरेटरी स्मॉल स्केल, यानी जो केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनको आमतौर पर लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से एक तो वो डेंजरस होते हैं, उनकी फिर कास्ट ज्यादा होती है, तो इस वजह से उनको इंडस्ट्री में बहुत कम यूज किया जाता है, तो इस वजह से लैब में जो है वो आप उनको यूज कर सकते हैं। लैब में उनका, चूंकि लैब में हमने स्मॉल क्वांटिटी में उन्हें यूज करना होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमने बनाना होता है, तो इसलिए लैब में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लैब में आसानी से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। एज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर एंड इज देयरफॉर नॉर्मली यूज्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को अपने वाटर से बचाना होता है, क्योंकि वाटर के साथ ये फौरन रिएक्शन करता है, इसलिए एनहाइड्रस कंडीशन इसकी जरूरी होती है, तो वो लेबोरेटरी में हम एनहाइड्रस कंडीशन मेंटेन करके रिएक्शन कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज इट इज यूजली यूज इन ईथर इन विच इट इज मॉडरेटली सॉलेबल, ईथर में ये कम्प्लीटली सॉलेबल नहीं होता, मॉडरेटली सॉलेबल होता है, इस वजह से एक तो वो जल्दी जल्दी डिजॉल्व भी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होता रहेगा, जो ही डिजॉल्व होगा फौरन रिएक्शन करता रहेगा, तो ईथर के अंदर यानी आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे वाटर में यूज करेंगे तो वाटर के साथ ये फौरन रिएक्ट कर लेता है, या आप ओपन अगर इसे यूज करेंगे तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है आपका रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगा, आपका रिएक्शन जो है वो उसकी यील्ड फिर ओवरऑल कम होगी, वो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा। ओके, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, पहले तो हमने बात की है कि हमारे पास जो है वो जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो आमतौर पर जो है वो अगर आपने कंप्लीट रिडक्शन करनी है कहीं पे तो उसके लिए यूज होता है, या कहीं पे लेट्स से अगर आपके पास सिंपल एल्डिहाइड है जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया है, उसकी कैटालिटिक रिडक्शन करें तो उससे भी अल्कोहल बनता है, अगर आपके पास कीटोन है तो उससे भी अल्कोहल बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन बाय एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय यूजिंग केमिकल रिडक्शन एजेंट सच एज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इसमें 4 मोल ऑफ एल्डिहाइड हम लेंगे और वो रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। याद रखना है कि ये अब यहाँ पे जो मोलर रेशियो है इसको अपने याद रखना है, 4 मोल एल्डिहाइड का लेंगे और 1 मोल आप किसका ले रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, क्योंकि ये 1 मोल जो होता है ये 4 हाइड्राइड इसके अंदर मौजूद है, और इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये 4 अपने ऑल 4 हाइड्राइड जो होता है ये एल्डिहाइड को दे सकता है, तो एक एल्डिहाइड को ओवरऑल आपके 4 एल्डिहाइड यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो ये 4 को 4 हाइड्राइड देगा। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि जब एल्डिहाइड जो होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो उसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है, एक हाइड्रोजन तो उसको मिलेगा यहाँ से, इससे मिलेगा, यानी हर मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन उसको कहाँ से मिलता है, सॉल्वेंट से मिलता है आमतौर पर, वो आपको मैकेनिज्म में भी बताऊंगा किस तरह जो है वो सॉल्वेंट से वो लेता है। ईथर जो है, ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन अभी ऑलरेडी आपको बताया कि ईथर में ही रिएक्शन किया जाता है, और इसमें सबसे पहले जो है वो यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अल्कोक्साइड बनते हैं, एल्युमिनियम के अल्कोक्साइड साल्ट बनता है यानी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4 हाइड्राइड है वो अल्कोक्साइड से रिप्लेस हो गए, यानी जो एल्डिहाइड होता है उसका अल्कोक्साइड बन जाता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये इतना स्टेबल नहीं होता, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये फिर 4 यानी ये देखें 4 अल्कोक्साइड है ना, तो इनको आप प्रोटॉन देंगे, इधर एच ओ को प्रोटॉन देंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह जो आपके पास OH होता है वाटर के अंदर तो वो एल्युमिनियम को मिलेगा तो ओवरऑल वो AlOH3 बना देगा, तो यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और उसके बाद लिथियम जो है वो वाटर का एक और OH यहाँ से यूज होगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ओवरऑल आपने ये मोलर रेशियो यहाँ पे याद करनी है, याद रखनी है, दिस इज एक्चुअली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल
वन मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स फोर मोल ऑफ अल्कोहल। मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है उसके कार्बन एल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव आयन आसानी से अटैक कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्राइड नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से आएगा, ये देखें इलेक्ट्रॉन के साथ आता है नेगेटिव फॉर्म में और इधर अटैक करता है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास जब ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे जो लिथियम आयन है वो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और इसके बाद यहाँ से AlH3 एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी यहाँ से आप रिमूव कर लें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये ओवरऑल आप रिएक्शन से इसे रिमूव नहीं करते, रिएक्शन के अंदर मौजूद होता है, ये फर्दर रिएक्ट करता है। तो फर्दर यहाँ पे फर्दर हम इसे यूज कर रहे हैं, जो ओ नेगेटिव है ये AlH3 चूंकि ये लिविस एसिड है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, ये इसके ऊपर अटैक करता है। जब इस पर ये अटैक करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था क्योंकि इसने फोर बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो उसके बाद जो है वो लिथियम जाहिर है पॉजिटिव फॉर्म में इसके करीब ही आ जाएगा, इसके साथ होगा। उसके बाद ये जो इसके अंदर तीन हाइड्राइड अभी मौजूद हैं, ये जो आपको पर्पल कलर में हाइड्राइड नजर आ रहे हैं ये तीन हाइड्राइड इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्राइड है ये वाला हाइड्राइड जो है एच नेगेटिव यहाँ से अभी शिफ्ट होगा, ये एक दूसरे कार्बन पे है, ये देखें एक के ऊपर अटैक हो गया वो यहाँ पे आके ये देखें अभी इसके अंदर लेंथ हो गया, उसके बाद दूसरे ने अटैक किया दूसरा हाइड्राइड ने, तो आपके पास ये उसी तरह ये इस फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो है यहाँ पे आप ओवरऑल रिमूव क्या करेंगे, जाहिर है ये जब अटैक करेगा इसके ऊपर तो आपका ये वाला पार्ट तो हाइड्राइड के साथ ये आ जाएगा, अब ये पार्ट आपका रह जाएगा, ये इसको यहाँ से हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि ये यहाँ से निकल रहा है। उसके बाद यहाँ से अगर ये निकल रहा है नेक्स्ट स्टेप में ये यूज होगा, ये देखें यहाँ से ये निकल गया, अब अगले स्टेप में हम इसे फिर यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? चूंकि इसमें एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो एल्युमिनियम फिर एज ए लिविस एसिड काम करेगा और इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर ये जब अटैक करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप इसके साथ जब कंबाइन होगा तो आपके पास यहाँ पे इसके साथ अभी दो ओ आर ग्रुप आ जाएंगे, टू यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे अल्कोक्साइड ग्रुप है और एक यहाँ, तो एक पहले आया है एक अभी बाद में आया है। उसके बाद एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज लिथियम इसके साथ ही होगा, फिर ये थर्ड कार्बोनिल पे अटैक करेगा हाइड्राइड इसका, देखें अब दो हाइड्राइड यहाँ पे रह गए, ये इस पे ऊपर जब अटैक करेगा तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला जो एल्डिहाइड है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे ये रिएक्शन उसी तरह रिपीट होता है, मैकेनिज्म उसका रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्राइड इसके ऊपर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये इस तरह बन जाएगा और ये वाला जो आपका पार्ट है जब हाइड्राइड इससे निकल जाएगा तो ये रिमेनिंग पार्ट ये नजर आ रहा है, तो यहाँ से फिर हम इसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यानी ये इसी रिएक्शन के एरो के साथ है, ये याद रखना है कि ये इस रिएक्शन के एरो के साथ ये हम इसे निकाल रहे हैं और ये इसके ऊपर हम रिएक्शन इसका कर रहे हैं। तो उसके बाद इस ये जो आपका यहाँ पे इसका साल्ट बनेगा लिथियम का इसके साथ, यानी लिथियम अल्कोक्साइड जो यहाँ पे बन रहा है, ये अल्कोक्साइड ओ नेगेटिव अटैक करेगा उसी तरह इस एल्युमिनियम के ऊपर, यहाँ पे अभी हमने इसे दिखाया हुआ है उसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डेफिनेटली, और अब तीन आपके पास जो है ना वो अल्कोक्साइड ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं, अब आपके पास एक ही हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। देखें आर्य को वो एक एक हाइड्रोजन दे रहा है, अब आप देख सकते हैं आर्य के पास ये जो पर्पल कलर में आप हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं एक एक हाइड्रोजन मिल रहा है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला हाइड्राइड है ये भी एक फोर्थ कार्बोनिल पे अटैक करेगा, इससे पहले तीन पे ऑलरेडी हम अटैक करवा चुके हैं, फोर्थ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसको हम इधर लिख रहे हैं ये वाला मौजूद है। और उसके बाद ये यहाँ से जो कुछ रह जाएगा वो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फिर यूज करेंगे, देखें ये उसके ऊपर अटैक करेगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम चूंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ये सब रिएक्शन इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब एल्युमिनियम के ऊपर आएगा, आप देखें इस एल्युमिनियम के ऊपर अभी फोर अल्कोक्साइड ग्रुप है, ठीक है। ये कहाँ से आए हैं? एल्डिहाइड से आए हैं, फोर अल्कोक्साइड मैकेनिज्म आपने ऑलरेडी प्रीवियसली देखा है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड से ये आए और आपके पास आप देख सकते हैं कि ये वाला ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे ये आपको ये दिखाई दे रहा है दिस वन, ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह का। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर के साथ इसे ट्रीट करेंगे यानी इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ये जो ओ ग्रुप है
ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होता है, यानी ये नेगेटिव फॉर्म में ऑक्सीजन यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करता है तो ये नेगेटिव फॉर्म में तैयार कर लेता है। ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है वाटर के वाटर से प्रोटॉन लेगा तो आपके पास इससे क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इसी तरह सेम इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। इस तरह ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाएगा, इसकी मतलब जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन प्रोटॉन लेगा वाटर से और जो OH ग्रुप है OH नेगेटिव है वो एल्यूमिनियम ले लेगा। इस तरह एल्यूमिनियम के साथ तीन OH आ जाएंगे, ठीक है। LOH3 बन जाएगा, LOH3 होल थ्राइस, ठीक है। इसको आप इस तरह स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब देखें तीन की जगह पे तो OH आ गया, अब फोर्थ यहाँ पे फिर इसके साथ नहीं होता है क्योंकि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है आमतौर पर इसी फॉर्म में होता है, LOH3 होल थ्राइस की फॉर्म में। और जो फोर्थ OH ग्रुप होगा, तीन तो यहाँ आ गए, जो फोर्थ OH ग्रुप है वो लिथियम के साथ आ जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो किसका शो हो रहा है यहाँ पे, अल्कोहल। तो ये देखें एक यहाँ से अल्कोहल बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। तो आपके पास ओवरऑल 4 मोल ऑफ अल्कोहल इसमें आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी 1 मोल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 4 मोल ऑफ LDHD के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ओवरऑल 4 मोल ऑफ अल्कोहल बनेंगे इस रिएक्शन में। ओके, अब यहाँ पे चूंकि ये मैकेनिज्म बहुत लेंथी है तो इसको अगर आप थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट तरीके से, यानी शॉर्ट मेथड इस मैकेनिज्म को लिखने का ये वाला भी है, यानी इस तरह भी ये मैकेनिज्म आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्राइड है उसको जब इसके ऊपर अटैक करवाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे भी ये वाला आपका इंटरमीडिएट बन रहा था लिथियम अल्कोक्साइड, तो इधर से LH3 आप निकाल रहे हैं। आप इसकी डायरेक्ट हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस यानी बिफोर कंबाइनिंग विद LH3 उसके साथ कंबाइन होने से पहले आप अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो फिर आपके पास जो है वो यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो लिथियम के साथ मिलकर लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो आप अगर इस मैकेनिज्म को ऐसे लिखें या इस तरह लिखें, इसमें मतलब ऑलमोस्ट दोनों मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन ये थोड़ा डिटेल्ड मैकेनिज्म है क्योंकि मोस्टली आपका रिएक्शन प्रोसीड इसी तरह होता है जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फिर आपके लिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना या इसको लिखना है इसके ऊपर काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा फेवरेबल यहाँ पे बन रहा है। तो ये आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो इस पर लिखना भी आसान है, इसके ऊपर टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। अगर आप इसको जो है वो नहीं कर पा रहे या आपके पास टाइम नहीं है इस मैकेनिज्म को लिखने का तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस तरह भी मैकेनिज्म इसका लिख सकते हैं, ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये जो आपका अल्कोक्साइड बन रहा है ओवरऑल इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास अल्कोहल बन जाता है। तो दोनों मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल हैं, वो वाला मैकेनिज्म भी आप कर सकते हैं और ये मैकेनिज्म भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। इससे पहले हमने देखा है कि रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, नाउ रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज इनसॉल्युबल इन ईथर। अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस आप देखें, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है ईथर के अंदर, कम्प्लीटली सॉल्युबल तो नहीं होता क्योंकि कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा तो वो फिर भी रिएक्शन फेवरेबल नहीं रहता, जबकि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो तो ईथर में सॉल्युबल ही नहीं होता, वो सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होता है, दैट इज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। और ये वाटर में आमतौर पर स्टेबल भी होता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक हो जाता है, वो रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ, ये रिएक्ट नहीं करता, ये स्टेबल होता है। और जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसको वाटर आमतौर पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है क्योंकि वो वाटर में स्टेबल है इसलिए वो आमतौर पर वाटर के अंदर ही यूज होता है, देयरफॉर इट कैन बी मोस्टली यूज फॉर रिडक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब आमतौर पर इसको कौन से एल्डिहाइड कीटोन के लिए आप यूज कर सकते हैं जो वाटर सॉल्युबल होंगे, उसकी वजह क्या है,
आपके पास जो भी कोई भी आपका जो रिएक्शन होता है उसमें हमेशा याद रखना है जो रिएक्टेंट होते हैं उनके उनका किसी खास सॉल्वेंट के अंदर सॉलेबल होना जरूरी होता है। अगर वो सॉलेबल होंगे तो आपका प्रॉपर्ली रिएक्शन हो सकता है, अगर वो सॉलेबल ही नहीं हो रहे, उनकी डिसोसिएशन ही नहीं हो रही, तो डेफिनेटली फिर वो जो कोलाइजन के चांसेस होते हैं, रिएक्शन के चांसेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसीलिए ये सॉल्वेंट के अंदर रिएक्टेंट का प्रॉपरली डिजॉल्व होना या सॉलेबल होना बहुत जरूरी होता है। तो चूंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड वाटर में सॉलेबल होता है, वाटर सॉलेबल है, ईथर में सॉलेबल नहीं होता। वैसे ईथर में तो एल्डिहाइड वगैरह कीटोन सॉलेबल होते हैं, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड सॉलेबल नहीं होता। इस वजह से आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड जब वाटर में लेना है तो आप वहाँ पे वही एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं जो वाटर सॉलेबल होगा। तो ये आपके पास एडवांटेज भी आ जाता है कि कुछ एल्डिहाइड कीटोन वाटर सॉलेबल होते हैं, तो उनकी रिडक्शन इस मेथड से हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हम देखते हैं जिसको ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इसमें एज यूजल वही रिएक्शन उसी तरह जिस तरह आप सोडियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में देख रहे हैं, उसमें फोर हाइड्राइड है, इसमें फोर हाइड्राइड है, फोर मोल ऑफ एलडीहाइड, फोर मोल ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड सर रिएक्ट करेंगे। ईथर की मौजूदगी में सबसे पहले वही इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, वहाँ पे एल्युमिनियम था, यहाँ पे चूंकि सेम ग्रुप में दोनों थर्ड ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे साथ लिथियम था, यहाँ पे साथ सोडियम है क्योंकि यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद थ्री मोल ऑफ वाटर यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, फोर मोल ऑफ अल्कोहल बनेंगे आपके पास, और वन मोल ऑफ सोडियम डाइहाइड्रोजन बोराइड बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर आप इस तरह लिख सकते हैं। देखें इसमें बोरान के साथ तीन बॉन्ड बन रहे हैं, एक OH है, दूसरा OH है, तीसरा जो है O नेगेटिव है। तो O नेगेटिव आमतौर पर इसके साथ डेफिनेटली फिर सोडियम होगा, यानी ये साल्ट जो है वो यहाँ पे साल्ट एसोसिएशन बन रही है, ये एक साल्ट आप कह सकते हैं, दिस इज द साल्ट ऑफ सोडियम विद बोरान, ओवरऑल ये साल्ट बन रहा है यहाँ पे आपके पास। ओके, एडवांटेज ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड ओवर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब आमतौर पर याद रखना है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ये स्लाइटली रिएक्ट करता है, ठीक है, और बहुत सारे एजेंट के साथ तो ये रिएक्ट करता ही नहीं है। इस तरह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कंप्लीट रिडक्शन आमतौर पर कर देता है, और ये तकरीबन बहुत से जो फंक्शनल ग्रुप है उनको रिड्यूस करता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड तमाम फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता, कुछ सिलेक्टिव फंक्शन ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसमें आपने याद रखना है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है जनरली हम कहते हैं कि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो इस वजह से जो है वो ये हर रिएक्शन के अंदर जो है वो मतलब आसानी से जो है वो एंटर नहीं हो सकता, और रिएक्टिविटी इसकी थोड़ी उस लिहाज से कम होती है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को उस लिहाज से साइज़ कम होता है, और ये हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और आसानी से जाकर रिएक्शन कर सकता है। लाइक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस मैनी अदर फंक्शनल ग्रुप सच एज एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एमाइड ग्रुप, साइनो ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने बात की, कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अगर आपके पास एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप है तो वो सब के सब रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये वही बात है कि अगर आप जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे तो वो सिलेक्टिव फंक्शन ग्रुप की रिडक्शन नहीं करता, बल्कि वो सब फंक्शन ग्रुप की रिडक्शन कर देता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जबकि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो दैट इज मच लेस रिएक्टिव एंड मोर सिलेक्टिव। एक रूल होता है हमारे पास, लेस रिएक्टिव मोर सिलेक्टिव, मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव। तो सोडियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव है, देयरफॉर इट इज लेस सिलेक्टिव, और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये मोर सिलेक्टिव है, यानी ये फिर कुछ फंक्शन को आसानी से रिएक्शन करता है और कुछ पे नहीं करता। जनरली इट रिड्यूसेज ओनली एल डी हाइड्स एंड कीटोन्स एट रीजनेबल रेट, यानी आमतौर पर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एल डी हाइड कीटोन को जो है वो अच्छे स्पीड से रिएक्शन उनके साथ कर सकता है और रीजनेबल यील्ड आपको मिल सकती है, जबकि बाकी जो फंक्शन ग्रुप हैं जिस तरह एस्टर ग्रुप है उसके साथ अब ये आसानी से उसकी रिडक्शन ये नहीं कर सकता, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है उसकी एस्टर की रिडक्शन नहीं करेगा, उसके लिए फिर आपने कौन सा यूज करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास है सिनेमल्डिहाइड
ये ओवरऑल एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो कैटालिटिक रिडक्शन इसकी कर रहे हैं या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर इनमें से कोई भी कम्बिनेशन आप यूज करेंगे तो ये बॉन्ड आपका कार्बोनिल वाला ग्रुप और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों रिड्यूस हो जाएंगे और कंप्लीट रिडक्शन होगी आपका 3-phenyl-propane-1-ol बनेगा। जबकि दूसरे रिएक्शन में जो है हम क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट जो कि सिलेक्टिव रिएजेंट है, दैट विल ओनली रिएक्ट एट दिस एल्डिहाइड कार्बोनिल, दैट विल नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो अब इसका ये एडवांटेज है कि ये सिर्फ इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा और आपके पास जो है इस तरह 3-phenyl-propane-2-ene-1-ol बनेगा। अब लेट्स है अगर आपको इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट चाहिए तो फिर तो आप या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर लें, ठीक है, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर आपको जो है वो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए इन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इन को यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट फिर ये मिलेगा, फिर ये नहीं मिलेगा, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जो सेलेक्टिवली एल्डिहाइड को रिड्यूस करे और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस ना करे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो एल्डिहाइड को छोड़ दे और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस कर ले, तो वो भी फेवरेबल नहीं होगा। फेवरेबल सिचुएशन क्या बन रही है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपका रिड्यूस नहीं होना चाहिए, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप आपका रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड आमतौर पर यूज करते हैं सेलेक्टिव रिएजेंट। इसलिए हम तौर पर हम कहते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट, इसको हम कीमोसेलेक्टिव कहते हैं। कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट कौन सा होता है कि जब आपके पास आपके सब्सट्रेट में दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों, लेट्स से यहाँ पे हम दो फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, तो उनमें से किसी एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर वो आसानी से रिएक्ट करें और दूसरे पे ना करें, तो हम कहते हैं कि वो सिलेक्टिव हो जाता है, तो वो उस ओवरऑल हम कहते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट। और ऐसा रिएक्शन जिसमें जो है एक फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन जो है वो आसानी से हो रहा है और दूसरे पे आसानी से नहीं हो रहा, तो उसको हम कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं, कीमोसेलेक्टिव। और इस फेनोमेनों को हम कीमोसेलेक्टिविटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं, देख लें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज नॉट ए कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट, कैटालिटिक रिडक्शन इज ऑल्सो नॉट कीमोसेलेक्टिव हेयर। तो आपके पास कीमोसेलेक्टिविटी सिर्फ आपको कौन दे रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कार्बोनिल ऑफ एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, अगर इधर कीटोन होता उसको भी ये रिड्यूस करता, लेकिन ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों को कर सकता है जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर सकता। ओके, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप रिडक्शन करेंगे तो खुद से भी आपको अल्कोहल मिलेगा। जनरली अल्कोहल्स आर मोर अबंडेंटली अवेलेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे भी वही अल्काइल हैलाइड वाली बात आ गई कि आपके पास आमतौर पर जो अल्कोहल होते हैं वो अबंडेंटली अवेलेबल होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप अल्कोहल बना रहे हैं तो उसका कोई खास एडवांटेज आपको नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि ऑलरेडी आपके पास अल्कोहल पड़ा हुआ है, तो आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप बना रहे हैं फिर तो वो ठीक है आपके पास, लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो इतना इकोनॉमिकल रिएक्शन नहीं होगा। हाउएवर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेंड फ्रॉम फैट्स आर मोर अवेलेबल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो आपके पास आमतौर पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से बनाते हैं, लेकिन जो हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो आमतौर पर फैट्स हमें असल होते हैं, तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अबंडेंटली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल सोर्सेज उनके हमारे पास अवेलेबल होते हैं, नेचर में वो मौजूद होते हैं, फैट्स की फॉर्म में वो मौजूद होते हैं, इसलिए फिर हम उनसे अल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि उनसे जो अल्कोहल बनेंगे वो अल्कोहल फिर इतने कॉमन नहीं होंगे, वो अल्कोहल फिर हमें चाहिए होते हैं, तो फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करके उनसे अल्कोहल बना सकते हैं। Therefore, the conversion of carboxylic acid to alcohol can be useful method. इस लिहाज से ये यूजफुल है। अब let's say एक अल्कोहल है आपके पास, let's say आपके पास मीथानॉल है, आप मीथानॉल को carboxylic acid से बना रहे हैं, कोई एडवांटेज नहीं है आपको, उसकी वजह यह कि मीथानॉल ऑलरेडी abundantly available है, तो उसको आप जो carboxylic acid आप यूज करेंगे वो इतना abundant नहीं है जितना वो मीथानॉल abundant है। इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसा अल्कोहल बना रहे हैं कि जो abundant नहीं है और carboxylic acid abundant है आपका, तो फिर वो favorable होगा।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन अल्कोहल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसकी रिडक्शन यानी मुश्किल होती है। तो इसमें बहुत कम रिएजेंट यूज होते हैं और उन कम रिएजेंट में एक रिएजेंट आपके पास क्या होता है, पावरफुल रिएजेंट जो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके हम 3 मोल लेते हैं, इसके 4 मोल, तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले उसी तरह उसका अल्कोक्साइड बनेगा, उसके बाद ये एल्युमिनेट बन जाएगा लिथियम एल्युमिनेट, उसके बाद साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसकी हम हाइड्रोलिसिस एज यूजुअल करेंगे, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके 4 मोल अल्कोहल के बनेंगे। आप देख सकते हैं 4 अल्कोक्साइड ग्रुप है, 4 अल्कोहल, और इसी तरह जब उस प्रीवियस रिएक्शन की तरह 3 OH एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, एस्टर जो होते हैं आमतौर पर जो है उनकी रिडक्शन से भी हमें अल्कोहल मिलता है। तो एस्टर्स कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड आइदर बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। याद रखना है कि एस्टर की रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि एस्टर जो है वो लेस रिएक्टिव ग्रुप होता है, उसके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट नहीं करता। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो चॉइस होती है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, और यह उसके साथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आप कर सकते हैं टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एसिड पोर्शन ऑफ एस्टर एंड अनदर अल्कोहल फ्रॉम विच दैट एस्टर इज डिराइव्ड। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपके पास जो है वो 2 अल्कोहल बनेंगे एस्टर से, एस्टर से आपके पास 2 अल्कोहल बनते हैं रिडक्शन से। एक अल्कोहल आपका एसाइल ग्रुप से बनेगा, इसके एसाइल ग्रुप से ये एसाइल ग्रुप बन रहा है, और एक आपका OR ग्रुप जो होता है आपका उससे बनेगा। तो ये पार्ट कहाँ से आता है, ये एसिड से आता है। ये अगर देखें ना, जब आप एस्टर को बनाते हैं तो आप रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और एसिड से बनाते हैं, तो ये वाला पार्ट आपके एसिड से आएगा और ये पार्ट किससे आता है, अल्कोहल से। तो जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो इससे एक अल्कोहल बनेगा, इससे स्मॉलर अल्कोहल बनता है, क्योंकि ये ग्रुप आमतौर पर यह तो जो है OCH3 होता है, ये OC2H5, ये मिथॉक्सी होता है, ये इथॉक्सी होता है। तो मिथॉक्सी हुआ तो मिथानॉल बनेगा, इथॉक्सी हुआ तो इथेनॉल, लेकिन ये लार्जर अल्कोहल बनेगा, यानी एक अल्कोहल आपका इससे बनता है। तो हमेशा एस्टर से 2 अल्कोहल बनते हैं। तो उसके बाद जब आप इसकी रिडक्शन कर रहे हैं तो ये एसिड वाला पार्ट जो है ये लार्जर अल्कोहल बना रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें ये बहुत मतलब लार्जर एस्टर है, जैसे ये अल्कोहल भी इतना अबंडेंटली अवेलेबल नहीं होता तो इसको हमें बनाना पड़ता है अक्सर एस्टर से। तो इसका रिएक्शन कितनी डिग्री पे ऊपर होता है, 150 डिग्री और 350 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ओवरऑल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाले मेथड को देख रहे हैं हम। तो इसके लिए यहाँ पे CuO और उसके साथ CuR2O4, यानी ये कंबाइंड फॉर्म में एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। ओवरऑल इसको हम मिथाइल लॉरेट भी कहते हैं, ये जो आपका कंपाउंड है। ओके, इसके बाद ये आपका अल्कोहल बन जाएगा, ये देखें इसकी रिडक्शन होगी इधर, ये यहाँ पे जब जाहिर रिडक्शन होगी तो आपका ये ओवरऑल CH2 ग्रुप आ जाएगा, इधर H आएगा, और यानी ओवरऑल 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहे हैं, 2 इधर आएंगे और 1 इधर, साथ इससे मिथेनॉल बन जाएगा, तो लॉरायल अल्कोहल इसका प्रोडक्ट होगा। उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आप यूज करेंगे तो एज यूजुअल उसी तरह देखें, यहाँ पे हमने इथॉक्सी ग्रुप यूज किया है तो इथेनॉल बनेगा साथ, और एसिड वाला जो आपका पोर्शन है उससे आप ये अल्कोहल बनेगा, ये पोर्शन आपके एसिड से आता है, जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे तो ये आपके एसिड से आएगा, और ये किससे आएगा, अल्कोहल से आएगा, इससे इथेनॉल बनेगा, और एसिड वाले पोर्शन से जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे और उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो दोनों स्टेप उसी तरह हैं जिस तरह प्रीवियस हमने डिस्कस किए हैं, हेक्सा डिकैन वनोल या पामेटाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये एक लार्जर अल्कोहल आप इस एस्टर से बना रहे हैं, तो इस लिहाज से ये रिएक्शन बहुत एडवांटेज वाला है। यानी आप इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसका मेथड मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से ये एस्टर है आपके पास, इस एस्टर को आप सिंथेसाइज करें लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो कि आमतौर पर हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, फैट्स वगैरह से मिलता है। लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सबसे पहले एस्टर में चेंज करें, फिर उसके बाद उस एस्टर को जो है वो आप उसकी रिडक्शन करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह लेट से आपके पास अगर ये वाला आप अल्कोहल बनाने चाहते हैं तो आप फिर लॉन्ग चैन एसिड लें, उसको पहले एस्टर में कन्वर्ट करें, फिर उस एस्टर की रिडक्शन करें तो आप इस अल्कोहल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. थैंक यू.